अजर काल का एक महान योद्धा जामवंत, जिन्हें अजर अमर माना जाता है, उनकी एक पुत्री भी थी जिनका नाम जामवंती था। जामवंती अत्यंत सुंदर होने के साथ साथ कई गुणों से संपन्न भी थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के पिता सत्राजित, जिन्होंने भगवान सूर्यदेव की कठोर तपस्या करके एक मणि जो सूर्य भगवान ने सत्राजित को वरदान स्वरूप दी थी, उस मणि को उनका भाई प्रसेनचित आखेट पहनकर चला गया। जंगल में उसे उसके घोड़ों सहित एक सिंह ने मार दिया और उसकी मणि को उस सिंह ने रख लिया। उसी जंगल में जामवंत की गुफा थी जिसमें वे अपनी बेटी जामवंती के साथ रहा करते थे, और उन्होंने उस सिंह के पास उस मणि को देखकर उसे पाने के लिए सिंह से युद्ध करके उस सिंह को मार डाला और उस मणि को अपनी बेटी जामवंती को दे दी। इधर सत्राजित ने श्री कृष्ण को मणि के चोरी का आरोप लगा दिया कि मणि उन्होंने ही चुराई है। उनके ऊपर लगे इस कलंक को हटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण उस मणि की खोज करने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। वहां जाकर उन्होंने प्रसन्नचित्त और उनके घोड़े को मरा हुआ देखा। भगवान श्री कृष्ण मणि खोजते खोजते वहीं जामवंत की गुफा के समीप पहुंच गए और उन्होंने उस गुफा में किसी के होने का एहसास हुआ। भगवान श्री कृष्ण उस गुफा में जाकर देखा जहां उन्होंने एक सुंदर कन्या दिखाई दी, जिसकी सुंदरता देख श्री कृष्ण मंत्रमुग्ध हो गए और उसे ही देखते रहे। जब वह कन्या श्री कृष्ण को देखकर बोली कि आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं, उसकी यह बात सुनकर श्री कृष्ण उस ध्यान से हटकर उस कन्या के गले में बही मणि को देखा तो उस मणि के बारे में पूछा, जिस पर उस कन्या ने बताया कि उसके पिता ने उसे यह मणि दी है और साथ ही श्री कृष्ण को उस गुफा से भाग जाने को कहा, क्योंकि उसके पिता जामवंत शिकार से लौटने ही वाले थे और वह कोई भी मनुष्य को देखकर उसे मार डालते। उसी भय के कारण ही जामवंती ने श्री कृष्ण को वहां से जाने को कहा, मगर भगवान श्री कृष्ण वहां से मणि को हासिल करके ही जाना चाहते थे। इसी बीच वहां जामवंत भी आ जाते हैं और अपनी गुफा में एक मनुष्य को देखकर बहुत क्रोधित हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण पर हमला कर देते हैं। कृष्ण भी उनसे मल्ल युद्ध करते हैं। बहुत देर तक युद्ध करने पर भी जामवंत कृष्ण को नहीं हरा पाते तो उन्हें उन पर संदेह होता है, क्योंकि जामवंत जानते हैं कि पूरी धरती पर कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो उन्हें हरा सके, यहाँ तक कि कोई देवता भी नहीं। इसी सोच से उन्हें कुछ याद आने लगता है जिससे जामवंत चौंक जाते हैं। अदरसल उन्हें भगवान श्री राम की वे बातें स्मरण हो जाती हैं, जब भगवान राम ने उन्हें अंतिम समय में अपना शरीर त्यागने वाले ही थे, उस समय जामवंत भी उन्हें अपने साथ चलने की प्रार्थना करते हैं। तब भगवान श्री राम उन्हें देख उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं और कहते हैं कि द्वापर युग में मैं कृष्ण अवतार लेकर इस धरती पर आऊंगा और उस समय मैं तुमसे मिलूंगा और तुम्हें तब तक हमारी प्रतीक्षा करनी होगी। जिस पर जामवंत कहते हैं कि प्रभु हम आपको कैसे पहचान पाऊंगा कि आप ही श्री कृष्ण हैं। तब श्री राम उन्हें बताते हैं कि जब तुम्हें एक साधारण से इंसान मल्ल युद्ध में हरा देगा तब तुम समझ जाना कि वह मनुष्य मैं ही हूँ। इस बात को याद करके जामवंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर जाते हैं और उन्हें द्वारा की गई गलती को क्षमा प्रार्थना करते हैं और भगवान श्री कृष्ण भी उन्हें प्रेम पूर्वक अपने गले से लगा लेते हैं। फिर जामवंत अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी श्री कृष्ण से करने की प्रार्थना करते हैं और श्री कृष्ण उनकी पुत्री जामवंती से विवाह कर लेते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।